रिवॉक का और दूसरा जनरल पावर का, आप मुझे पेपर दे जाओ। मैं गया दोबारा, 32 डॉलर का मैं दोबारा जाके मनी ऑर्डर बना लाया। जब मैं लेके आया और पासपोर्ट तमाम पेपर्स को दे के चला गया, तो उसने कहा 3 बजे के बाद आके पिक करना। जब मैं 3 बजे आया हूँ तो उन्होंने वो पेपर सारे मेरे हाथ में वापस कर दिए और पासपोर्ट मेरा जो आईडी कार्ड वगैरह सब वापस कर दिया। बोला ये नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा बस आप ये नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं भाई देखो मैं इस तरह नहीं जाऊंगा, आप मुझे कॉन्सुलेट जनरल साहब से मिलाएं या फिर मुझे आप लिख के दें। खैर मेरी उनसे भी 10 मिनट साकिब साहब से तकरार हुई। उसके बाद उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल को जाके बोला कॉन्सुलेट जनरल साहब आए बाहर और मतलब मुझसे बात, ये ना क्या मसला। मैंने कहा 3 पेपर, कहता हम ये काम नहीं करते, हम नहीं करते। मैंने कहा ये देखे सेल एग्रीमेंट है, पावर रिवॉक और एक सब जनरल पावर है, ये तीनों लेटर वकार साहब ये बताइएगा कि क्या आपने तलकलामी में कोई जुमले गलत तो नहीं अदा किए? जो कि एक भी मेरा बदतमीजी या ऐसा जुमला जिनसे उनकी शान में फर्क है, मैंने कोई भी गाली गलोच इस किसी का नहीं। मैंने कहा बस आप इतना फेवर दे दें, आप मुझे लिख के दे दें, मैं वैसे ही परेशान हूँ, ताकि मैं वहाँ रियल एस्टेट एजेंट को प्रूफ दे दूंगा कॉन्सुलेट पाकिस्तान। वकार साहब इसमें ये मुझे बताइएगा कि तीनों पेपर दायरे के पाकिस्तान के जो स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट का होता है उस पर आपने टाइप करवा के मंगवाए होंगे और उनका और उनका सिर्फ इतना काम होता है कि वो आपकी आईडी चेक करके उसको नोटराइज कर दें। अब अगर इसके अलावा कोई टेक्निकल बात थी तो उन्होंने टेक्निकल बात कोई नहीं आपको बताई? उन्होंने कुछ नहीं की, मुझसे 7-8 मिनट उन्होंने साफ मतलब कॉन्सुलेट जनरल साहब ने कहा कि ये पेपर नहीं करते हैं। और मैंने कहा भाई मैंने उससे पहले कराया, कहना हम नहीं करते, अब आप एक जनरल पावर वहां से मंगा लें, ये पेपरों पर मैं साइन नहीं करूंगा। मैंने कहा तो पाकिस्तान के वकील इस टाइम पेपर पे ठीक है ना। वकार साहब देखिए हम आपका केस कॉन्सुलेट में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर नहीं होता तो जाहिर है अगर पॉलिसी बता दें वो, अगर पॉलिसी है कि वो नहीं होता तो फिर मजबूरी है। लेकिन इस अगर ये सबके लिए हो रहा है और आपके लिए नहीं होता तो आपके साथ ज्यादती है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश जो भी हमसे होगा वो हम पूरी कोशिश, मंडे को खुलेगा इनका ऑफिस, हम बात करेंगे। और हमने फ्राइडे को इनको ईमेल की है, हमने इन्हें वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ा है, तो पूरी बात की हमने। अब अगर आपको सफ़र करना पड़ता है यहाँ से पाकिस्तान तक का तो इस पेपर के ना होने की वजह से माली नुकसान आपका कितने तक का होगा? मेरा 3000 का नुकसान। देखे मैं 1185 का टिकट लेके जा रहा हूँ इत्तेहाद एयरलाइंस से, उसके बाद 7 डेज मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मेरा वीकली 1000 मैं बनाता था, 525 में कार की लीज देता था, वो मेरे घर के गैराज में खड़ी है, तो मैं तकरीबन 3000 रुपए के। और सबसे बड़ी बात है कि रमजानों में अपने बीवी बच्चे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ इनके साइन ना करने पे। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की और मैं ये नहीं कि इनके स्टाफ के आदमी की बात बता रहा हूँ, कौंसलेट जनरल ने खुद ने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि हम ये पेपर साइन नहीं करेंगे। क्या आप वकार साहब क्या कौंसलेट जनरल, आपको कैसे पता कि वो कौंसलेट जनरल थे? कोई आदमी भी अंदर और हो सकता है? मैं उनकी तस्वीरें अखबार में देखता हूँ इसलिए मैं 100% को पहचानता हूँ। हर हफ्ते से आप किसी फंक्शन में या आप नाम किए ना, आप नाम जानते हैं उनका? उनका अमान करके है ना, मतलब मैं अभी पूरा नाम नहीं पता लेकिन अमान करके है, चश्मा लगाते हैं, मतलब 5 फीट हाइट है उनकी। और वो उन्होंने साकिब साहब ने कौंसलेट जनरल, क्योंकि मैं तो 2 साल बाद गया था, कभी कभार जाना होता था कौंसलेट जनरल में, तो वो खैर कौंसलेट जनरल उन्होंने अपने आप इंट्रोड्यूस कराया, अमान साहब नाम है। उनकी तस्वीरें पिछले हफ्ते के अखबार में है, वो पाकिस्तान डे के ऊपर ना, तो वही साहब है, मैं उनको पहचानता हूँ बहुत अच्छी। मैं उनसे मिला। वकार साहब देखिए आपकी स्टोरी में कोई और भी ऐसी चीज है जो कि आप बताना चाहेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ मेरे को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डाल दिया, मुझे नहीं वजह कि मुझे ये इन्होंने क्यों पनिशमेंट दी है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है और आप उनसे भी तस्दीक कर लें, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों रिफ्यूज किया जबकि मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट, मेरे पास अमेरिका का पासपोर्ट, पाकिस्तान का डोमिसाइल, पाकिस्तान की डिग्रियां तक मैं लेके गया था। और वकार साहब देखिए यानी हमारी और आपकी सेमी पोजीशन है, लेकिन चूंकि हम ये रेडियो प्रोग्राम करते हैं और कम्युनिटी के लिए करते हैं, और तो और पाकिस्तान में हमने आपसे अर्ज़ किया कि अभी हम अगर ये आप इस सूरत में पाकिस्तान जाते हैं तो इंशाल्लाह जितने भी 3 बड़े अखबार हैं उनमें हमारी पूरी कोशिश होगी और वो छपेगा। और बिल्कुल मैं चाहूँगा आप मुझे पता दिया क्यों मैं मुतासर होगा, मैं पाकिस्तान में जो भी होगा जिस दफ्तर में आप भेजते मैं 3000 के चक्कर में और रमजान में अपने 20 बच्चों को
मैं अपनी बेटी को कॉलेज की राइट देता था, अब मेरे लिए वो एक आदमी हायर करना पड़ेगा जो उसको कॉलेज और स्कूल आपको चलाएगा। वकार साहब यानी कहीं नहीं जाना होगा पाकिस्तान में, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा पर्सनली या तो कोई आपके पास आ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा जो जंग का ऑफिस है उसके पास एक ऑफिस है उसमें जाना होगा जो कि न्यूज़ एजेंसी का है। तो मैं हम आपसे इंटरव्यू ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि मंडे को कोई रिस्पांस ये दे सकें हमें, अदरवाइज़ हम एम्बेसडर को डायरेक्ट कॉल करेंगे हुसैन अकानी साहब को, और जाहिर है कि ये ज़्यादती है किसी भी शख्स के साथ, ये यहाँ इनकी मौजूदगी हमारे अखराजात पर हमारे पैसे से हमारे टैक्सेस से इनकी तनख्वाहें। वकार साहब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अब्दुल अजीज और ओवरसीज की जानिब से अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोग सुन रहे थे वकार अहमद साहब का इंटरव्यू, जो पाकिस्तान जा रहे हैं, इनको पाकिस्तानी काउंसिल से ये मसला पेश आ रहा है कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट नहीं करवा सके। और इनके केस को हमने फॉलो अप किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका केस हमारे पास आया था एक्चुअली मेरे खास से वेंसडे थर्सडे को आया था, फ्राइडे को हमने कॉल किया, हमारे पास उस वक्त तो कॉल नहीं आया लेकिन लेटर ऑन द डे किसी ने जो है मैसेज छोड़ा था। अमरीन नाम बताया ना? ओके, आई थिंक वी कुड से दैट नेम ऑन राइट, अमरीन बता नहीं सकते एनी हाउ इट्स काइंड ऑफ लेट नाउ। तो बता, किसी ने काउंसलर से जो है मैसेज छोड़ा था वापस। मंडे को हमने दोबारा फॉलो अप किया एंड एज अ मैटर फैक्ट आई पर्सनली टॉक टू काउंसलर जनरल अमान हिमसेल्फ केम ऑन लाइन एंड he was kind enough to give me 5 minutes and explain the situation. Urdu mein bataya. Wo khud phone pe aaye the aur unhone situation batayi ki situation kya thi, jo exact situation thi unko uska to nahi pata tha ki kya situation thi, lekin unse jab maine malumat ki ki is tarah kya hota hai aur hota hai to kyun hota hai to unhone clarify kiya hai. To pehle to main aap se puchunga ki aziz saab aapne interview kiya tha Waqar saab ka. देखिए वकार साहब ने जो तमाम बातें बताई उसमें होता है किसी भी ऑफिस में दुनिया के ये होता है कि फ्रंट डेस्क का जो आदमी होता है वो किसी की प्रॉब्लम को लेने से पहले उसको कम से कम इतना सब्र होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम को समझे। एक आदमी प्रॉब्लम लेकर आया है और आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पाकिस्तान से अमरीका भेजे गए, यहाँ बुश साहब के या ओबामा साहब के कहने पर नहीं आए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खर्चे पर यहाँ आए। आपने वो तमाम पेपर लिए, वकार साहब ने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा है कि वो अंदर लेकर गया, देखा और फिर उससे कहा कि 2 मनी ऑर्डर बना के ले आए, 3 मनी ऑर्डर बना के ले आए 16-16 डॉलर के या 48 डॉलर के एक ले आए। तो इसका मतलब किसी ने उस पेपर को अंदर रिव्यू किया और उसको भेजा। जब वो लेकर आया 3 मनी ऑर्डर बनाकर तो आपने पहले ही क्यों भेजा था? ऐसा होता ही नहीं है कि फर्स्ट डेस्क पर जो आदमी बैठा है वो अपनी मर्जी से पता नहीं क्या उसको बात इनकी बुरी लगी। इससे पहले भी उस शख्स की बहुत सारी लोगों के पास कंप्लेन है जो फ्रंट डेस्क पे है, कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। देखिए वो जो कंप्लेन है वो अगर कोई रूडली बिहेव कर रहा है किसी के साथ, सो दैट्स अ होल डिफरेंट इशू देन कि आप उस बंदे को क्या कहते हैं पब्लिक रिलेशन में क्यों डाले हुए हैं जहाँ पे उसको पीपल को फेस कर रहा है, आप किसी और को डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन बात है कि इनके जो पेपर थे वो अटेस्ट नहीं हुए। इन्होंने बताया था कि इनके पेपर जो है वो है प्रॉपर्टी सेल के बारे में। जब मैंने बात की थी अमान साहब से तो अमान साहब ने ये कहा था कि वो अटेस्टेशन बिल्कुल करते हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट जरूर हो। और उनका दूसरा जो कहना था वो बिल्कुल सही कहना था, जो बात बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर वो लोग इस वजह से नहीं बैठे हैं कि किसी का नाम वकार है, किसी का नाम उमैर है, किसी का नाम जबरान है, और ये 3 लोग आए तो इनके काम नहीं करना, बाकी सबके काम कर देना। तो कोई ना कोई गाइडलाइंस है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये गाइडलाइंस जो है इनके खुद के अपने बनाए हुए नहीं है, इनके गाइडलाइंस कोई इनको दे रहा है, ये जो है सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है। ये तो सही है, देखिए ये एक सिर्फ इंस्टीट्यूशन, इनके गाइडलाइन को किसी को दे रहा है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो लोग मुल्क की लेजिस्लेशन करते हैं नेशनल असम्बली में, वो जो भी कुछ इन्हें गाइडलाइन देते हैं ये उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ इसका मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि एक शख्स अंदर पेपर लेके जाता है, उसको कहता है कि जाके ये ले आओ हम कर देते हैं। देखिए उन्होंने बिल्कुल कहा कि किसी ने उनको कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आ जाएं, ये मनी ऑर्डर आप लेकर आ जाएं, उसके बाद हम इसको कर देते हैं, ठीक है। वो लेकर भी आए मनी ऑर्डर्स, उसके बाद वो दोबारा किसी और के पास गया पीछे। अब ये हम लोग नहीं कह सकते कि वो आया वो सेम पर्सन के पास गया था, कोई और पर्सन था पीछे जिसके पास, जिसने दोबारा से सेकंड टाइम उसको रिव्यू किया, ठीक है। अब सेकंड टाइम कोई और रिव्यू कर सकता है, और हो सकता है उसको कोई चीज़ ऐसी पता हो जो कि पहले बंदे को नहीं पता हो। और
इसके लिए, सॉरी मैं बात करता हूँ आपकी, कि इसके लिए हमने उनसे ये पूछा था कि कोई टेक्निकल वजह उन्होंने बताई, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मतलब हम नहीं करते हैं।